Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Yeah।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्ति योग बार बार जाए अर्जुन एवं सत्ता एवं सर्वाह परिवार से ये समान सब से शांति योग यथात्म वे तुझी
प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय ओम नामो प्रभु ओम नामो भगवते वासुदेवाय प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय ओम नामो प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरि
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण रतियास्तु अजि धर्मे मतियास्तु अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवी हो बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र जोर दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने 18 अध्याय के सार ले चुके हैं। अब हमारे गीता रहस्यकारों ने जिन श्लोकों को बहुत ही कल्याणकारी हमारे लिए माना है उन्हें अब बारी बारी करके लेके अपने मन में बिठाने की चेष्टा कर रही है। आप भी पूरी एकाग्रता पूर्वक चेष्टा करें प्रयास करें कि जो उन्होंने कहा है और जो प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फरमान उनका है उससे हम भी लाभ उठा ले। जैसे घर में एक माँ पकाती है सारा परिवार लाभ उठाता है, इस तरह एक महापुरुष गोता लगाता है गीता के अंदर और आने वाली धार्मिक पीढ़ियां पूरा लाभ उठा करके अपना जन्म सफर कर लेती है। सो आइएगा जरा अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें महापुरुषों की रिसर्च में। हम लोगों ने 3 अध्याय ले लिए, 3 अध्याय में जो मशहूर फरमान था वो भी पकड़ लिया। अब हम जा रहे हैं आगे चौथा अध्याय, आज चौथा लेना है जी, लीजिएगा। हाँ जी तीसरा लेना है, आज तीसरे अध्याय की बारी है। ये है कर्म योग। हम भली प्रकार जान गए हैं भगवान की कृपा से हर एक जीव ने कर्म करना है, क्यों ये भी आप जान गए। ध्यान से सुनना मेरी देवी मेरे सज्जनों कि हर एक में 3 गुण है, 3 गुण मूवमेंट पैदा करते हैं, हरकत पैदा करते हैं। अच्छा जैसे हमारे घड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सेल रखा हुआ है, सेल है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है उसमें मूवमेंट पैदा हो जाती है। इसी तरह हर एक जीव में 3 गुण होने कारण से बीच में हरकत पैदा होती है, मैं कुछ करूं। इसलिए भगवान ने कहा जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी पारे गए और बेअमल कोई नहीं रह सकता, जरूर कुछ ना कुछ करेगा करेगा, बिना किए हुए वो सार ही नहीं सकता। जैसे आप देख ही रहे जब से हमने वो संभाली आज तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी इतने बूढ़े हो जाते हैं फिर भी कर्म करते ही हैं, पर कितना अच्छा हो अगर गीता जी के अनुसार कर्म किया जाए, वो हो जाएगा कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। अगर भगवान के उपदेश के अनुसार किया जाए वरना तो सारे जहां ही कर रहा है, 84 लाख योनियां सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक करती रहती है, कोई नई बात नहीं। पर जो भगवान बताना चाहते हैं वो तरीका है कर्म करने की कला, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाए। अब कर्म योग में 3 अध्याय में शायद 44, 45, 48 श्लोक है। अब इसमें भगवान जी ने बड़े विस्तार पूर्वक कर्म क्या, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म में बाधाएं क्या आती हैं, कर्म से कैसे अंतःकरण निर्मल हो जाए, ये बड़ा बताने की चेष्टा की। ये मैं पहले आपको विस्तार पूर्वक बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, अति प्रसिद्ध। क्या क्या, ये राजन दोनों नमर उब हो तो गलबे से इनके ना, कौन सी ये कौन से राजन यानी वटमार है जो इस मार्ग में चलने वालों को लूट लेते हैं, उनकी कमाई ले लेते हैं, जैसे कोई रास्ते में जा रहा हो
और जंगल में से गुजरा तो डाकू भाग आते हैं और उससे छीन छून लेते हैं सारा कुछ जी। इसलिए जो धार्मिक मार्ग में लगते हैं आप जैसी मेरी देवियां, आप जैसे मेरे सज्जन पुरुष जब लग जाती हैं तो लूट लेती हैं। कौन दो गंदी वृत्तियां जिनके लिए भगवान जी कर्म योग के अंदर सावधान कर रहे हैं, कौन से राग और द्वेष? याद रखना मेरी देवियों मेरे सज्जनों, ये दोनों ही खोटी वृत्तियां हैं और जन्मों से हमारे अंदर है और इनका मन में रहना स्वभाव बन चुका है। अच्छा जी, ये तो ध्यान देना मेरी देवियों मेरे सज्जनों। अब मैं प्रकाश डालूं जो भगवान जी कह रही हैं, राग क्या है द्वेष क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे राग को अट्रैक्शन, द्वेष को रिपल्शन, उर्दू में बोलते हैं रग्बत और नफरत। इसी आधार पर यह सारा संसार चल रहा है। ओ मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और कल्याणकामी मेरे भाइयों, इसी आधार पर यह सारा संसार है। अच्छा जी, राग और द्वेष। अच्छा अब हम ले राग क्या है, या तो शुरू में मैंने कई बार कहा हमारे मां बाप भगवान के प्यारे होते और हमें शुरू से भगवत प्रिय बना देते, हमारे अंदर संस्कार भगवान के आ रहे, वो बात नहीं गई। इस तरह फिर जब किसी को समझाया ना जाए, किसी को महापुरुषों का या गीता जी का तजर्बा ना दिया जाए तो फिर क्या करेगा वो, इस उसकी नकल करेगा, करना तो है उसने। इस तरह आप देखो सारी नकल कर रही, खाने में पीने में लेने में देने में रस्म रिवाज में पहनने में नखरों में बातचीत करने में सब अंधाधुंध नकल। आप देख ही रही, मैं बड़ा हैरान होता हूं, नकल करनी तो कुछ तो सोचना ही था, पर नहीं, ये पापा ये मम्मी ये अपने देश में अपने, हालांकि हमारे देश के शब्द है माता जी पिताजी, ये पापा बिगड़ा हुआ शब्द है पिता पिता का, ये मम्मी बिगड़ा हुआ शब्द है मां का। और हम उन नलायकों मूर्खों जो बाहर मुखी है विलासी है उनकी नकल कर रहे हैं, अंधाधुंध, क्योंकि हम नकल से काम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नकल से। जब इंसान को कोई बताएगा समझाएगा नहीं तो फिर नकल। पर फिर भी मां व्यास जी ने कहा नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, और कभी ना भूलना अकल का घर है गीता, कभी ना भूलना मेरी देवियों मेरे जैसे बता बता के भगवान में चले जाएंगे। अकल का घर, बुद्धि का घर है, विवेक का घर गीता। गीता में हर प्रकार से बता देती है उचित क्या है अनुचित क्या, इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं, राक्षस है जिसे ये ना पता हो उचित क्या अनुचित क्या, इंसानी रूप में आकर पता ही ना लगे। इसलिए फिर इंसान जब नकल करता है तो अपने दृष्टि से कहता है ये चीज बड़ी अच्छी है, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है, पर उसने अपने आप से कहा है ये, पहले कहा कि ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये ना ये औरत बहुत अच्छी है, ये आदमी ये बड़ा पड़ा हुआ जवान और बड़ा कमाता है, ये बहुत अच्छा है, ऐसे शुरू कर देगा बोलना अपने आप ही। फिर उसको अंदर देखता रहेगा, तकता रहेगा, फिर कहेगा ये जो भाई इतना अच्छा है ना, अगर मेरे पास आ जाए मुझे तो बहुत ही सुख देगा ना, दूसरी चोट, पहले मन की चोट, ये चीज बहुत अच्छी है। इसकी अपनी कल्पना जी, इसकी अपनी सपोजिशन है मेरे सज्जनों मेरी देवियों। तो फिर आगे और रंग चढ़ाता है, ये मेरे पास आने चाहिए, अच्छा अब दिन रात एक कर देगा, ये इन किन प्रकार इन उसे लेने की चेष्टा करेगा, ये नहीं कि शुभ तरीकों से पुरुषार्थ करे, नहीं, उसका आयास प्रयास क्या होता है अनुचित होता है, इससे तो बड़ा सुख मिलता, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं कि सुख मिलेगा, नहीं, लेकिन उसने ऐसा मान लिया है इसे दिन रात एक कर देगा। अब कुछ महीने बाद या जैसे भगवान चाहेंगे वस्तु मिल जाएगी जरूर, जो वस्तु चाहता था उसकी इष्ट पदार्थ थी और वो मिल जाए उसके साथ राग हो जाता। अब राग, राग का मतलब क्या, ये वस्तु मेरे से नहीं जानी चाहिए, ये सदा मेरे पास बनी रहे, क्या देना भगवान तीसरे अध्याय में क्या करेंगे, इस वस्तु में बड़ा सुख हो, सुख ले भी रहा होता है और पहले उसका मन बेचैन था जब तक लिया नहीं, अब ले लिया मेरी देवी मेरे सज्जनों तो मन में कुछ चैन है, करार है, उसका कंज्यूमर बना हुआ है अर्थात उसका उपभोक्ता है और उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जा रहा है। अच्छा शाबाश, अब क्योंकि इसने कई उस चीज को चाह है, हाँ अब कई चीजों को नहीं चाहेगा, जिसको नहीं चाहेगा ना ये चीज अच्छी नहीं है, ये गंदी है, ये तो मेरे सुख को उड़ा देगी, द्वेष हो जाएगा।
ये इसकी अपनी धारणा है, अपनी कन्विक्शन है। ये वस्तु अच्छी है, ये भी इसकी अपनी धारणा। ये वस्तु दुखदाई है, ये भी अपनी धारणा। अच्छा, इसी तरह जहान में हर नर नारी अपना ही अपनी धारणा बना रही है। फिर देखिए, आज जिस वस्तु को अच्छा कहा चंदनों के बाद, उसी वस्तु कहते कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नियम प्रकृति में चल रहा है। मैंने आपको बताया था क्या उपयोगिता ह्रास नियम। किसी वस्तु को बार बार प्रयोग कीजिए, उसकी खुशी खींची जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे देश में कहावत है, चार दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। चार दिन शौक दे गुजर जाती है, फिर उसको हम प्रयोग करके उनमें रस नहीं देते। चाहे हमारी साड़ी है, चाहे कोई मकान है, चाहे कोई रिश्तेदार है, कुछ दिनों में उसका प्रयोग करेंगे फिर नहीं उसमें रस आएगा। कोई भी संसार की चीज एक भगवान जी को छोड़ करके बाकी अपना रस देना छोड़ देती है, फिर दिल करता मैं किसी और को लू, फिर उसके साथ राग, फिर आज जो हमारे प्यारे उनके साथ द्वेष हो जाएगा। हाय रप्पा, जिनके साथ पहले राग था उससे द्वेष हो जाता है, और जिनके साथ द्वेष था उसके साथ प्यार हो जाता है। इसी तरह दुनिया का ये अजीब दौर इसी आधार पे चल रहा है, कर्म योग कह रहा। हाय हाय, इसी आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। भगवान भी मजाक कर रहे हैं बेवकूफ को देखकर, जहां हालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया गए चक्कर में आई। ये राग करना था भगवान के साथ, अगर भगवान के साथ राग करते तो वो प्रेम कहलाता, भक्ति कहलाती, उपासना कहलाती। हमारी छोटी बुद्धि नकल कर रही है इर्द गिर्द की, और इन्हीं प्राणी पदार्थों को चाहने लग गए। तो आपको पता ही है, लगाया जो महसूस शख्सियत से मान ताल्लुक बड़े उनसे और वो लगन, अब लगन ऐसी लगी कि इसके साथ उसके साथ ये लेना वो लेना। सारे दिन रात नर नर यही कर रही है, ये नौकरी अच्छी, ये मैं इतनी पढ़ी हुई हूं, जो मुझे नौकरी मिली है वो तो मेरे मुताबिक है ही नहीं, ये तो एक दसवीं क्लास को मिलती है, मैं एमए हूं, मैं एमएड कर रखा है। वो तोबा मेरे रब्बा, अब दिन रात उसी में लगे रहेंगे। अगर वो मिल जाएगी तो सुपरिटेंडेंट मेरे अनुकूल नहीं है, सुपरिटेंडेंट अनुकूल है तो मैं बालक ही हूं और जाती हूं ओ इतनी दूर गठे कुएं के अंदर गांव में, ना मैं नहीं, मैं तो वहां साहब ट्रांसफर कराने के लिए कितने दिन रात एक लग जाएंगे। ऐशाबा बहुत अच्छी, ट्रांसफर हो गई कैंट में, कुछ दिन जाते रहे, फिर कैंट में क्या जरूरत है, सिटी में क्यों ना आ जाओ। मन ने चैन लेने देना ही नहीं, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष। जब तक जी भगवान का प्यारा ना बन जाए, और भगवान का प्यारा बनकर अहम पाने को भगवान के चरणों में रख ना दे, तब तक ये पाठ कैसे पक्का होगा। जो मिल जाए लेकर वही, ये तो रब ने प्यारे पक्का करके 24 घंटे शांत रहेंगे। वरना कर्म करना है मैं और आपने, तो हर बात हमारे अनुकूल नहीं हो सकती, नहीं स्थान अनुकूल नहीं होगा, कोई पुरुष जिसके साथ हमारा संपर्क है वो अनुकूल नहीं हो सकता, चाहे हमारी पत्नी है, चाहे पति देव जी है, चाहे हमारे बेटे है, चाहे हमारी बेटियां, थोक के बहुत हमने मूर्खता से पैदा कर ली है, अब उनके साथ हमारा संपर्क है। हाँ, हमारे ख्याल बदलने जा रहे हैं, वो रजोगुनी है, या हम शुरू से पति पत्नी तपस्वी होते तो बच्चे सारे तपस्वी होते, सुखोगुनी होते, वो सारी चोल दे मुन्नि है, वो हमारे अनुकूल नहीं होते। अब फिर मन बिगड़ता, मन में बेचैनी और बेकरारी आती है। शाबाश, इतने आप जहान में देखती हैं, क्या अजीब बात मैं कह रहा हूं। आज चीज अच्छी लगती है, चंद दिनों के बाद वो चीज नहीं अच्छी लगती, और जो पहले अच्छी लगती थी वो आज अच्छी नहीं लगती थी, आज वो अच्छी लगती है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब चक्कर है, बड़ा अजीब चक्कर, इस तरह संसार चल रहा है। क्योंकि लोगों को असल का पता है ही नहीं, नहीं असल का पता तो अंधाधुंध अंधेरे में पत्थर मारी जा रहे, लग गया तो लग गया, तो ना लग गया तो अपने मुंह पर, आमतौर पर अपने मुंह पर लगता है। दुनिया इसी अज्ञानता के आधार पर चली जा रही है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान कहते खबरदार, एनिमल भी यही करती और मैन भी यही करे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सुपरमैन बनूंगा, मैं देव पुरुष बनूंगा, और आगे बढ़ जाऊंगा और आगे निकलूंगा। जैसे कई स्टूडेंट हम देखते प्राइमरी क्लास में निकल गए, कई हमारे साथ आगे मिडिल में गए, कई मिडिल पढ़ के बाप के काम में लग गए, कई अगर हाई क्लास में गए, हाई क्लास पढ़ के फिर नौकरी में लग गए, कई हमारे साथ कॉलेजों में गए, फिर कॉलेजों में थोड़ा पढ़ के फेल हो गए, वापस चले गए,
फिर कई हमारे साथ यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी में डट के पढ़ते रहे। इसी तरह नाना प्रकार के जीव संसार में आते हैं, हार जाते हैं, थोड़े जीव होते हैं इन बाग कमालों में कोई बचल जो मेरी हकीकत से पाए। इन चलने वालों में कोई कोई होता है जो भगवान के बारे में, ओ मेरी भोली भाली देवी हो, मेरे कल्याणकामी सज्जनों भाइयों, जो जान जाते हैं, जो महाराज जी के बारे में पूर्व पे जान जाते हैं, शाबाश। आहा, जान जाना मानना कुछ और है, जानना कुछ और है, और पहचानना कुछ और का और। तो महाराज जी ये बड़े जोरदार कह रहे हैं, खबरदार कहीं राग द्वेष द्वारा लूटा ना जाना। बड़ी मुश्किल से हमें गीता जी मिली है, बड़ी मुश्किल से। भगवान का उपदेश समझने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जिसको हम विवेकिनी बुद्धि कहती है, ये विशेष बुद्धि होती है। यूं गीता का पढ़ जाने का थोड़ा मतलब है, अगर समझ ही ना आए तो माँ हमारी सिर्फ श्लोक पढ़ा देती थी, श्लोक नहीं उसका अनुवाद करवा देती थी, बस। ना माँ को पता है ना हमें पता, हम क्या पढ़ रहे हैं उन लोगों का, बस। अब समझ आ रही है, जबकि हमारे जीवन की शाम आ गई, शुक्र है अब भी पले पड़ गया। इसलिए भगवान ने गर्मा गर्म चेतावनी दी है, याद रखना ये मेरे प्रभु की गर्मा गर्म चेतावनी है। ये राजन है दोनों न मरु हो तो गलबे से इनके ना मखलूब हो, अरे इनके घेरे में ना आना, अच्छा मेरे प्रभु, इनके राग द्वेष के चक्कर में ना आना, अच्छा प्रभु, क्यों अपना कर्तव्य कर्म करते जाएंगे, जब किसी से दिल ही नहीं देंगे। आप तो कर्तव्य है मां के प्रति, बाप बहन बहन के प्रति, पति पति, वी मस्ट एग्जीक्यूट, हम उसे फुलफिल करेंगे, लेकिन मन को ध्यान से रखकर, नहीं मैंने परिवार बनाना, मैंने इसी धंधे में नहीं रह जाना। आहा, इसी रोज शब में गुरुदेव कहा करते थे, इसी रोज शब में उलझ के ना रह जा, ओए तेरे सामने आसमां और भी है, तूने कुछ और भी करना है, इसी सवेरे और शाम के धंधों में नहीं रह जाना। हमारे मन में यह बात गहरी उतर चुकी है, हमने कुछ और भी करना है, हमने अपना प्रलोक भी बनाना है, नॉट शुड बट मस्ट, मस्ट अवश्य में। तो भगवान आपकी पग पग पे सहायता करते हैं, वो देखिए कितने निश्चय में कौन बैठा है भगवान, उसे भी समझने के साधु है वो, कौन इरादे में नेकी के यक्षु है जो, याद रखना बच्चे, पुरुषार्थ में कौन बैठा है भगवान, मेहनत में कौन बैठा है भगवान, दृढ़ निश्चय में कौन बैठा है भगवान, उई वाह, शुद्ध प्रेम में कौन बैठा है भगवान, उई वाह। ये हमारे अनुभवी महापुरुष हमें बता गए, हमें समझा गए, हवा में दृढ़ निश्चय, कर्मठ, कर्मठ कितना प्यारा शब्द है, कर्म बनाइए आगे ठा लगा दो, ठा ठेले वाला ठा, कर्मठ जो जान तोड़ परिश्रम करना जानता है, जो मनोयोग पूर्वक कर्म में जुटा हुआ है, उसे बोलते हैं अपनी भाषा में कर्मठ, कर्मठ लग गया, अपने आप को जुटा गया है, अपने शरीर को उसने वज्र बना लिया, नहीं परवाह करता सर्दी गर्मी, मान अपान सुख दुख की, बिल्कुल ही परवाह करता, लग गया है उसे, क्या परवाह, क्या राग और द्वेष की, क्योंकि उसे पता है कि मैंने तो आगे जाना है, मैं तो निकल जाने ऊपर, क्योंकि हॉस्टलों में मेरे 6-7 साल गुजर गए हैं, कल जो हॉस्टलों में तो अड़ोस पड़ोस वाले इस कमरे को लड़ पड़ते, तो हम जब भाग जाते तो क्या, 1 साल गुजर गए, एक और गुजारना हमने, या हाँ हाँ प्यार कर लेना, फिर हम उससे अनिंगल कराते, यही समझाते हुए 1 साल तो गुजर गया, कोई हमने क्या बैठे रहे ने, मामूली सी बात पर ये कोई बात बनी, क्या मामूली सी बात थी, आपने बतंगे में जैसे कि हमने जिंदगी काटती है, कोई जिंदगी काटती है यहाँ पर, नहीं, इस कमरे में कई आए कई चले गए, अब हम रह के चले जाएंगे, लड़ना झगड़ना क्या, ये तो सारे आपस में फौरन मिल जाते थे, प्यार कर लेते थे। इसी तरह सरकार इस संसार में राग द्वेष क्या है, कितना अच्छा गुरुदेव कह गए, क्या क्या क्या, जहां भी जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफर की मुसाफर से सफर में दोस्ती कैसी, हाय 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 हाय, बाबा फिर बोल,
जहां में जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों मुसाफर की मुसाफर से सफर में दोस्ती कैसी। ये तो एक हमारी यात्रा हो रही है, तो यात्री की मदद करे, वो मेरी मदद करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा, बस यहीं तक। ना कि यात्री को मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी तो जान निकलती है, मैं क्या करा भाई फिटे मुंह। ये तो चीजें जा रही है, मुसाफर की मुसाफर से सफर में, ये तुम्हारी सफर है, ये तो जीवन की यात्रा चल रही है। तब हमारा रॉक कहीं नहीं होगा मेरे सजनों, तब हम कहीं भी नहीं उलझेंगे, भले ही नारी का चोला है, हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, हम शर्क वर्क नहीं है, वी आर ऑल हॉल्ड वर्कर। इस भारत में लगते ही वही है जो हॉल्ड वर्कर होते हैं, जो हड्डियां तोड़ना जानते हैं, पूरा समय लगाना जानते हैं, समय की कीमत जानती है। देवियों सजनों वही इस मार्ग में लगती है, लिल्लड़ जो है अपने जो अपने छिल्लड़, चाहे हम इसके छिल्लड़ आपके 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 जो है खरबूजे के छिल्लड़ो तो चाहे केले के छिल्लड़ो, लिल्लड़ छिल्लड़ इस मार्ग में क्या करेंगे, गुगू इस मार्ग में ही लग सकते, लगती भी विवेकानंद जैसी है, गुरुदेव जैसी लगती इस मार्ग में, ऐरा जरा क्या करेगा इस मार्ग में, घबरा जाएगा। और जरा चुस्त बनिए, होशियार बनिए, मैं भेजा गया हूं आपके लिए, होशियार बन के अपना प्रलोक बना लो मेरे बेटे, मेरी यहां पर हाजिरी स्वीकार कर लो और हाजिरी का पूरा लाभ उठा लो। किस रूप में प्रलोक बनाने में, अपना जन्म सफल करने में। ये जिंदगी नहीं जो मैं बार बार कहता जाऊंगा, खा लिया पी लिया, शादियां कर ली, बच्चे बना के मर गया, नहीं नहीं नहीं। भगवान ने आपको बहुत बुरा कहा है जो इसी में रह जाती है, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। प्रभु कहते वो कामनाओं का के दास बन जाती है और जिंदगी अपने को तबाह कर लेती है, वो दुश्मन है अपने लिए, सर्वस्व छटे जाए में कहा। उठो मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूं और भगवान जी हम सबके साथ है। अगर हम दोनों जुटने वाले हो, लगने वाले हो, तो भगवान हमारे साथ, हम पुरुषार्थी हो, दिल के सच्ची हो, पक्के हो। वो देखिए गुरुदेव क्या कहती हैं, क्या अनुभवियों ने क्या कहा, आहा आहा वाह वाह वाह। शिष्य आमल, शिष्य यानी शिष्य जैसे आप हैं, खूब जुटने वाले हो, अमल करने वाले हो, कर्म कर, जैसे भगवान जी बता रहे हैं कि मैंने राग दृष्टि करना नहीं करना, मैंने अपना कर्म करना है। याद रखना कितना सुंदर गुरुदेव कह गए, शिष्य अमल अर्थात प्रैक्टिकल रूप बनाने वाला है, गुरु कामल गुरु परफेक्ट है अर्थात अपनी मन बुद्धि भगवान के साथ लगाए हुए है। शिष्य अमल गुरु कामल तो रब हो गया शामल, शिष्य अमल गुरु कामल तो प्रभु सब। कितना अच्छे अनुभव बता गया हमें गुरुदेव, फिर भगवान भी तो शामिल हो जाती हैं। बाबा फिर बोल, शिष्य आमल प्रैक्टिकल रूप बनाने वाला और गुरु कामल परफेक्ट जिसकी बुद्धि और मन भगवान तक तलीन हो चुके हैं। गुरु शिष्य आमल गुरु कामल तो रब सब शामिल, मैंने सम्मिलित शामिल, मैंने वो साथ मिल जाती है, उनकी शक्ति मेरे साथ मिल जाती है। कर लो सफर मेरी देवियों, कर लो। और खास का जो इसी महीने आने चाहती है, जिनको एक महीने का पासपोर्ट मिला है सत्संग में आने का, आए आए, केवल एक महीने का, जैसे विदेश में जाती है वो चार महीने के लिए उनको पासपोर्ट मिलता है, और जिनको केवल एक महीने का पासपोर्ट मिला है, एक महीने का वीजा मिला है, वो तो खास करके मेहनत मारे, चूंकि फिर आप चले जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं आने देगा, संस्कार गंदे आ जाते हैं। वो तो और कोशिश करेगा, आए मैं एक महीने के लिए आई हूं, केवल मैं एक महीने के लिए अलाउड हुआ हूं, मुझे सत्संग में प्रवेश पत्र, क्या प्यारा शब्द है, एंट्री कार्ड एक महीने के लिए मिला, तो मैं पूरा लाभ उठा लू। आई मस्ट ट्राई माई बेस्ट। मैं तो आपको दिव्य प्रेरणा दे सकता हूं, भगवान दिव्य शक्ति दे सकते हैं, लाभ उठाओ और क्या दिव्य पुष्प बन जाओ।
और अपना जन्म सफल कर लो। मैं बार बार कह के खामोशी ले रहा हूं, केवल खाना पीना बच्चे बनाना जिंदगी नहीं दे। हमारे मन ने बगावत की और एक माँ बाप को रोवा डाला, पिटा डाला, इसलिए कि ये जिंदगी नहीं है। जब माँ बार बार रोती तो मैं यही कहता था, माँ जिससे तूने जीवन गुजारा ये अच्छा है, नहीं पुत्र। बार बार माँ कहते थे ये तो नहीं मैं कह सकती ये अच्छा, तो फिर मुझे क्यों घसेड़ती है इसके अंदर? संसार ऐसा है, खुद भी दुख पाती है फिर भी हमें कहते नहीं इसी में जाना। क्या माँ तूने अच्छे दिन काटे हुए? नहीं पुत्र। फिर मेरी जैसी क्यों तबाह होने देती है? बात तो तेरी ठीक है पर क्या करूं, मन नहीं मानता। मन कहता तभी मंत्र क्या कहता है, जिसमें तूने धक्के खाए मैं भी धक्के खावा? नहीं नहीं। एक दिन मुझे बहुत ही मन मेरा बड़ा रो उठा, मां तू मेरे हाथों के पीछे लगी हुई है, एक बात अगर तूने जब धकेल दिया ग्रस्त आश्रम में, देख तू मरेगी ना? मरूंगी। तो जा तू सड़ेगी ना? देखो मेरी मेरे मुंह से क्या बकवास निकली, बड़ा असर पड़ा मां पर। तू सड़ेगी नहीं तो साड़ूंगा, तो मैं तेरे एक एक पुत्र हूं, हाँ तू ही साड़ेगा। तो जा तुझे साड़ूंगा, हाँ वो जगह मुझे याद रहेगी कि मैंने मां को कहां साड़ा, चूंकि फूल भी चुनने होंगे। हाँ तो जब मुझे दुनिया में दुख मिलेंगे, मैं सिताया जाऊंगा रुलाया जाऊंगा, तो जहां तुम चिता पर साया ना वही आके पिटांगा। क्या मां तू फसा गई है, आ जा रोई रब दी वे पुत्रा, मैं नहीं पसंदी, मैं वही आके पिटांगा, आ जा मां देख मेरा बुरा हाल हो रहा है, देख रहा मैं सिताया जा रहा हूं पिटाया जा रहा हूं, देख जवाई मेरे दिन में तारे दिखा रही है। ना पुत्रा ना, ऐसा तो मैं कभी ना करके जावा कि तू शमशान में पिटने आया दोबारा। जिससे हो सकता जी अपने आप को समझा लो, ये इनकी इन प्रकार यू प्लीज ट्राई योर बेस्ट, भगवान आपके साथ है। जिस तरह दुनिया जा रही है कुछ जीने वाली बातें थोड़ी है, दुख वाली बातें तीन प्रकार के, शरीर एक, मानसिक पारिवारिक, और उधर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मुझको मन में हर रोग से पार और चेतावनी सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही। आज दुनिया को देखो तबाह हो रहे कि नहीं, शारीरिक तबाही मानसिक तबाही पारिवारिक तबाही, तीन प्रकार की तबाहियां उनकी हो रही है कि नहीं, जो भगवान के विरुद्ध और मनमानी करने वाले हैं प्रत्यक्ष रूप में देखो। फिर हम क्यों मनमानी करें, क्यों ना भगवान जैसे कह रहे हैं कि रात द्वेष से बचकर कर्म करो तो तुम लोक परलोक बना लोगे। रख लो पल्ले बेटी, रख लो मेरी बेटी, रख लो मेरे सजनों, ओ मेरे यंगस्टर्स, लिसन टू मी केयरफुली, और रख लो अपने अंदर के बस, करें हम कर्म राग द्वेष को छोड़कर, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। वाह 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 मेरी पढ़ी लिखी बेटी, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। हर बड़ा गजब का जीवन होता है जो केवल अपना कर्तव्य कर्म निभाना जानती है, कोई राग नहीं कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, ऐसा जीवन बड़ा गजब का है। दिन दुगनी रात चौगुनी वो भक्ति में उन्नति कर जाते हैं, परमात्मा को अपने वश में कर लेते हैं, जब उनका मन कुछ और चिंतन ही नहीं करेगा, भगवान के ही चिंतन करेगा ना। हाँ ऐसा बन जाए बच्चे मैं आपके साथ हूं, वो हमारे टीचर ऊपर देखो खड़े हैं, मैं उनका मॉनिटर और ये हमारी गीता क्लास, गीता क्लास और मैं मॉनिटर और वो हमारे कौन है टीचर, वो हमें शक्ति देंगे पूरी पूरी। जब हम दिल के सच्चे और इरादे के पक्के हैं तो हमें टीचर जरूर शक्ति देंगे और हमारा कल्याण कर देंगे। और इधर मेरे साथ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, ए कृष्ण तेरी गीता की कसम हम तुझको, हम तुझसे मुहब्बत कर बैठे, ऐ कृष्ण तेरे गीता की कसम हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे, ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे, लाज रखो मालिक लाज रखो, तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था
वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे, दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। ऐ कृष्ण तेरी गीता की कसम, हम तुमसे मुहब्बत कर बैठे। कृष्ण तेरे गीता की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। लाज रखना मेरे मालिक, हमें और शक्ति प्रदान कीजिए, हम आपके अनमोल कथन के अनुसार अपने आप का अपना जीवन बना ले, अपने आप को ढाल ले मेरे प्रभु। हार्दिक धन्यवाद मेरे प्रभु, हार्दिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु कृष्णे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सप्ताह न सफल करना इष्ट देव। हार्दिक धन्यवाद।